सुप्रभात बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा विषय है पत्र लेखन। आज के समय में इंटरनेट और मोबाइल फोन ने संदेश वाहक का काम शुरू कर दिया है। पत्र लिखने की कला समाप्त होती जा रही है, लेकिन फिर भी पत्र लेखन के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। पत्र के द्वारा हम अपने भावों को बहुत सुंदर ढंग से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। बच्चों, पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, औपचारिक पत्र। नंबर दो, अनौपचारिक पत्र। नंबर एक, औपचारिक पत्र। जो पत्र किसी विभाग को लिखे जाते हैं उन्हें औपचारिक या आवेदन पत्र कहते हैं। जैसे विद्यालय, बिजली विभाग, जल विभाग, स्वास्थ्य विभाग या किसी कंपनी आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। नंबर दो, अनौपचारिक पत्र। जो पत्र रिश्तेदारों, परिवार के लोगों, माता पिता तथा मित्रों आदि को लिखे जाते हैं उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। बच्चों, पत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर एक, पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। नंबर दो, अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना चाहिए। नंबर तीन, संबोधन व अभिवादन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर चार, विषय स्पष्ट होना चाहिए। नंबर पांच, नाम, पता व दिनांक का सही अंकन होना चाहिए। नंबर छह, पत्र की रूपरेखा सही रूप में होनी चाहिए। बच्चों, आज का हमारा विषय औपचारिक पत्र है। बच्चों, मोहल्ले की सफाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी जी, नगर पालिका सोनीपत। विषय, मोहल्ले की सफाई के लिए आवेदन पत्र। श्रीमान जी, सविनय निवेदन यह है कि हम देवनगर निवासी आपका ध्यान अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की तरफ दिलाना चाहते हैं। हमारे मोहल्ले में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। नालियों का गंदा पानी बाहर सड़क पर बहता रहता है, जिसमें मच्छर और मक्खी पैदा हो रही हैं। बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। सफाई कर्मचारी आते तो हैं, लेकिन इधर उधर बैठकर चले जाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे मोहल्ले की सफाई के लिए उचित प्रबंध करवाएं, ताकि हम बीमारियों से बच सके। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। प्रार्थी, देवनगर निवासी, दिनांक।